सलाह जिन्होंने 10 रुपया पेश किया मेरा आका इनकी भी जायज मकसद में कामयाबी अता फरमा दी जाए, दुआओं को दूर फरमाइए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि भाई आप मज़ार के इतने दूर रहो कि लोगों को शक ना हो कि आप उनसे मांग रहे हो, उनको चूम रहे हो। लेकिन यहाँ अभी ऐसा हो गया ना कि भाई मांगने खाने कमाने का जरिया बहुत हेवी वाला बन गया। इससे पहले आप लोग आए थे यहाँ पे? हाँ आए थे, कई बार आए भाई। यही पहाड़ है, लग रहा है यही वाला पहाड़ है गाइस। आप देख रहे हो फीस अल्लाह योग गुड एंड सलाम रहमतुल्लाह। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मंजवे पहाड़ जहाँ पे मतलब उर्स होता है बहुत हेवी वाला, मतलब एक पहाड़ है बिहार में कि मतलब हम आज तक नहीं गए, ये ऑब्जर्वेशन आज तक नहीं गए, लेकिन ये पहला फर्स्ट टाइम कर रहे हैं भाई। हमारे साथ हमारे दो तीन भाई हैं, दोस्त हैं, सब लोग जा रहे हैं। क्या होता नहीं होता वो चीज़ें वहाँ जाके बताते हैं, सुनते हैं कि भाई वहाँ पे जाके दुआएं कबूल होती है, मुरादें कबूल होती है। एंड बहुत सारे लोगों का ये मतलब बहुत सारे लोगों का कहना और बहुत सारे लोगों का हुआ भी, वो चीज़ें मतलब कंफर्म करने के लिए और वो चीज़ें सच्चा है या नहीं है वो चीज़ें देखने के लिए हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा गाइस। तो बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ जिन्होंने अभी तक मैंने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। हम जहाँ से अभी जा रहे हैं जहाँ से सफ़र का शुरुआत कर रहे भाई, यहाँ से नहीं भी तो 30 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो जाएगा गाइस। तो बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ कंटिन्यू, बहुत कुछ दिखाने वाले भाई। उससे जहाँ से हम लोग सफ़र स्टार्ट किया ना, बहुत ज़्यादा गंदा वाला रास्ता है गाइस। एक्चुअली बिहार का रास्ता अगर देखना है ना तो ये सब जगह पर देख रहे हो, एक्चुअली पहले हाईवे हुआ करता था लेकिन अभी भाई पूरा ख़तरनाक टाइप का। ये सर्विस रोड है लेकिन अच्छा से बना देना तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। ये रूट चलेगी आपका रजौली से लेके कोडरमा तिलैया वगैरह तक, और ये है ये रूट ना आपका दरबारी से लेके बोले तो नवादा तक चलेगी। और हम लोग यहाँ पे अपना हायाबूसा और निंजा स्टोर का बोले तो फिट फाट जो भी प्रॉब्लम है सब क्लियर कर ले रहे हैं, बिकॉज ना भाई उधर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रास्ते में आ जाए और हम लोग उसका फेस ना कर पाए, वहाँ पे कोई दुकान ना हो, ये प्रॉब्लम मिल सकता है। गाइस ये जो देख रहे हैं ना आप, ये अकबरपुर बाजार होते हुए हम लोग को जाना पड़ रहा, बिकॉज हम लोग को ना समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग अकबरपुर से फतेहपुर से लेफ्ट लिए अकबरपुर की तरफ, तो फाइनली हम लोग बाजार होते हुए निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ से बता रहा है 24 किलोमीटर अगर आप आ रहे हो ना मंजवे पहाड़ के लिए, तो आप लोकेशन खोल लेना अगर आपको समझ में नहीं आता। तो भाई यहाँ से 24 किलोमीटर आप मंजवे पहाड़ खड़ी मानना, मंजवे टुंगी आ जाएगा, टुंगी मोड़, समझ रहे हो। मतलब हम अपने फ़ोन में ही लोकेशन ओपन करके हैं एंड वीडियोज़ भी बना रहे भाई। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अभी 24 किलोमीटर ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर बचा है हमारा, देख रहे हो। गाइस हम लोग अब भाई बंगाल पहुंच गए भाई फाइनली, देख सकते हैं ये ममता कैलर यहाँ पे दिख रहा, और ये जो नदी आ रहा ना हमारे गांव से होते हुए आ रहा भाई, धनर्जय नदी, पदमोल सिमरकोल सब होते हुए आएगा। इतना बड़ा नदी है ना, हम लोग का नदी तो एक तरह, हाँ यार दो धारा दिख रहा है ना, देख रहे हो इधर भी एक धारा है, बहुत तगड़ा लगा। हम लोग अभी अकबरपुर नरहत रोड में गुजर रहे इस टाइम। गाइस आप विश्वास करो ना करो, हम लोग भाई मुसलसल एक घंटा से चल रहे तो चल रहे, तो अगर आप अकबरपुर एरिया के हो या फतेहपुर एरिया के हो तो प्लीज़ ये रूट को चूज ना करें भाई, बहुत गंदा रूट है गाइस, बहुत ज़्यादा गंदा रूट है भाई। हम लोग एक घंटा से मुसलसल चल रहे और अक्सर लोग ना यहाँ मज़ार शरीफ से जो वापस जा रहे, ज़्यादातर लोग मतलब अभी से हम देख लिए ना, नहीं भी तो 20-25 टेम्पू जो था मतलब, और फोर व्हीलर देख सकते हो भाई, ये लोग भी सारे लोग ना वापस जा रहे, तो हम लोग जा रहे भाई यहाँ से, देख रहे हो। अभी और 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट शाम हो गया, समझ नहीं आ रहा भाई हम लोग किधर जा रहे किधर कौन सा जंगल में डूब रहे। तो भाई आप लोग मेन रूट को चूज़ करना, हाईवे को चूज़ करना भाई, थोड़ा सा पेट्रोल जलेगा लेकिन आपका टाइम बचेगा भाई। तो ऑलमोस्ट देखते हैं कहाँ तक जाते हैं भाई, क्या होता है नहीं होता है भाई, उसको तो थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है ये रूट देख कर। सारे ऑटो लेकर भाई सारे लोग निकल रहे यहाँ से, फतेहपुर पार्क है वहाँ से आए, यही पहाड़ है लग रहा है यही वाला पहाड़ है गाइस। अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले रहे बिकॉज ना सारे के सारे लोगों का पैर पूरा जाम हो गया भाई। क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आप, कुछ मैसेज दीजिए लोगों को किधर से जाना है नहीं जाना।
इधर से जाना सही नहीं रहेगा। कभी भी गैस वो भी मजमे पहाड़ पे आए चमन साहब बाबा के यहाँ, तो नवादा हिसुआ हो के आए, वो लैंड क्लियर रहता है। इधर का रास्ता कच्चा पक्का है, समझ में नहीं आया, हम लोग थक गए हैं। गाइस फाइनली हम भाई बहुत करीब हैं, 3 मिनट यहाँ से मेरे को दिखा रहा मंजुआ पहाड़ के पास, ठीक है। तो फाइनली आ ही गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लाइटें वाइटें लगी हुई हैं काफ़ी सारा, देख रहे हो। तो मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ ये महसूस हो रहा कि भाई यहाँ बहुत ही करीब आ गए हम लोग। हम पहुंच गए भाई मंजुए पहाड़, और यहाँ पे भाई साहब अलग मोमेंट देखने को मिला। मतलब मेरा गाड़ी का पार्किंग नहीं देखने को मिला, मतलब रात में भी इतना क्राउड। अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं कहाँ पे अपना गाड़ी हायाभूसा लगाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। फाइनली ये रहा आपका मंजुए, एंड अभी हम लोग पहाड़ पे चढ़े नहीं है गाइस, लेकिन ऑन द वे हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। एक्चुअली भाई हमको ना जैसे बताया गया था ना कि आप नाइट में रहोगे तो फिर आपको बोले तो लोग नाइट में वापस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पे नाइट में भी लोग स्टे कर रहे भाई, देख रहे हो, अच्छा खासा भीड़ अभी भी मेरे को दिख रहा। यहाँ से खरीद रहे हम लोग चादर, फुल वाली चादर। एक्चुअल ऐसे तो बाबा लोग नहीं बोलते हैं कि चादर मेरे पास लाओ, लेकिन हम लोग फिर भी लेके चले जाते हैं। सब तसल्ली मिल जाता है, दिल को तसल्ली मिल जाता है, बस दिल को तसल्ली के लिए भाई हम लोग यहाँ से चादर ले ले रहे। यहाँ पे ना हम लोग को भाई हजरत सैयद शाह चमन पाक रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार अक़दस है जहाँ हम लोग जाने वाले हैं, देख रहे हो भाई। एंड और यहाँ से ना पहाड़ स्टार्ट हो गया, लेकिन ये ना मेरे को लग रहा सीढ़ी बना हुआ गाइस। गाइस फाइनली हम लोग भाई चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, एंड इनके करामात ना कितने हैं क्या है ये तो हमें नहीं पता, हम फर्स्ट टाइम ये दरबार में हाजिर हो रहे, लेकिन इंशाल्लाह आई होप के हमारी हाजिरी मुकम्मल कबूल हो। एंड ना भाई साहब घर से निकल कर यहाँ तक ना मुसलसल 2.5 घंटे हो गए भाई, तब जाके ये पहाड़ वाला सीढ़ी मिला उनको। एंड ऊपर में सही है, हक है बकर खान लेते हो जाओ भाई, लोग बोल रहा है ऊपर पानी हो ना हो ये चीज़ें कंफर्म नहीं है गाइस, तो वो चीज़ें ना ऊपर जाके पता करते हैं। भाई घर वाले बोल रहे थे कि रात में फाइनली हम लोग शाम में ना लोग शाम तक चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई जितना गर्दी उतना रश दिख रहा ना, हमको नहीं लग रहा कि रात तक लोग चले जाते होंगे। अभी भी काफ़ी भीड़ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। तो गाइस फाइनली हम लोग फातिहा खानी कर लिए, लेकिन एक लिमिटेशन में गाइस, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपको बेहुरमती किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बोले तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि भाई आप मज़ार के इतने दूर रहो कि लोगों को शक ना हो कि आप उनसे मांग रहे हो, उनको चूम रहे हो। लेकिन यहाँ अभी ऐसा हो गया ना कि भाई मांगने खाने कमाने का ज़रिया बहुत हेवी वाला बन गया गाइस, तो वो चीज़ों को बायकॉट करना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा जाहिलियत फैल गई है, इसके वजह से हमारी पूरी सुन्नियत बदनाम हो रही है, मुकम्मल तरीके से बदनाम हो रही है, हम लोग बदनाम हो रहे हैं। तो प्लीज़ यार इस सब को बायकॉट करो यार, अपने घर के औरतों को समझाओ, औरतें मज़ार में सड़ सड़ के मांग रही हैं, इनके जरिए से मांगा जा सकता है, तो इनसे नहीं मांगा जा सकता है, क्या कर सकते हैं भाई। तो गाइस अभी आपको दिखाने वाले हैं क्या है नहीं है, ठीक है ना। सबसे नजर है, सबसे करम है, जाना अंदर सरफराज जिन्होंने 10 रुपया पेश किया मेरा आका, इनकी भी जायज मकसद में कामयाबी अता फरमा दी जाए, दुआ उनको से फरमा लिए। गाइस कुछ पसंद आए ना आए, ये वाला पराठा और हलवा बहुत तगड़ा लग रहा है गाइस, तो अभी देखते हैं। 70 रुपये 100 दे रहे भाई,
कितने रुपए सौ दे रहे हाँ भैया? तो इस तरह से बन रहा पराठा देख रहे हो गाइस, 250 यहाँ पे 40 रुपए करके दे रहा भाई। हाय गाइस, ये लोग सुन नहीं रहे भाई, इतना क्राउड देख रहे बापा। गाइस कुछ हो ना हो, ये भैया का दुकान बहुत हेवी वाला चल रहा है, जिस तरह से ऊपर में बाबाओं का दुकान चल रहा है उस तरह से ये भैया का दुकान हेवी वाला चल रहा है। आप लोग को हलवा पूरी कैसा लगा भाई? बस लगा ना, 20 रुपया खाया मत लगे, 100 रुपया के पराठा कम पड़ गया। तो फाइनली आप लोग किधर से है? छोटा शेखपुरा, छोटा शेखपुरा जो है शेखपुरा शहर से। तो इससे पहले आप लोग आए थे यहाँ पे? हाँ आए थे कई बार आए भाई, मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत लेट कर दिया हम लोग आने, आपसे मिल के अच्छा लगा। थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू। जानते हैं जी? जी। अरे यार, अरे यार, वहाँ बिलाल साहब मेरे दादा हुए। ऑलमोस्ट अच्छा था, थोड़ा ना ये क्या बोलते मीठा ज्यादा था, लेकिन नॉट बैड। सबसे ज्यादा हिंदी का सेल था जब हम ले रहे थे ना, उस टाइम भाई काफी भीड़ था, लेकिन अभी पूरा रन खत्म हो गया इनका। तो भाई अब हम लोग ना गाइस यहाँ से आउट करेंगे, एंड आई होप एक्सपीरियंस अच्छा लगा। थोड़ा ना बाजारात पे जो लोग है ना, वो थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता गाइस, मतलब सुन्नियत को बदनाम करने का एक तरीका है ये। चलते हैं आगे, देखते हैं मैं मेला अभी तक कितना, रात के बोले तो ऑलमोस्ट 7 बजने वाले भाई, अभी तक मेला है या नहीं वो चीज़ें दिखाएंगे आपको, ठीक है? ले मेरे को ना वालदा ऑर्डर की थी भाई सोहन हलवा लेने के लिए गाइस, ठीक है? तो यहाँ पे 40 रुपया आंटी कितना, 40 रुपया पौआ, 40 रुपया पौ। यार हर जगह खाली चक रहे आप, इतना इतना चका जाए, थोड़ा थोड़ा सा लिया जाए चकने के लिए, कितना आधा आधा किलो अधिक भाई आप चक रहे। तो सुहान हलवा अपनी वालदा के लिए, अच्छा वाला है ना माँ? गाइस ये 30 रुपए का हो रहा था, भैया 20 रुपए लिए हैं, तो वालदा खुश हो जाएंगी। मेरी वालदा ना सुहान हलवा का बहुत बड़ा बड़ी वाली फैन है, और सब मेरे भाई लोग अपने घर के लिए सिरनी वगैरह ले रहे हैं यहाँ से। ऑलमोस्ट ना भीड़ चढ़ी है भाई, इतना भीड़ था ना, वो भीड़ मेरे को देखने को नहीं मिल रहा जब हम आए थे जिस टाइम, ऑलमोस्ट 7 बज गए जिस टाइम आए, तो उस टाइम काफ़ी भीड़ था। हाँ वही तो बोल रहे हैं आंटी, बहुत अच्छा सेल कर रही है, मेरे को 10 रुपये डिस्काउंट दिए। देख रहे हो गाइस, मतलब एक घंटा आधा घंटा के हिसाब से जो पहले हम घुसे थे अंदर, फिर अभी निकले ना, तो क्राउड पूरा मुकम्मल ख़त्म हो गया। तो ये मंजवे का पहाड़ी शबाबा का उर्स है जो अभी अब लास्ट हो रहा, 7 बजे शाम तक बोले तो पूरा लास्ट हो जाता है। देख रहे हो मतलब आसानी से लोग यहाँ पे आ रहे जा रहे, मतलब इससे पहले उतना नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो गाइस और जो मज़ारात पे लोग हैं ना भाई, वो उनसे बच के रहिएगा प्लीज़, अगर आप आते हो वहाँ पे जो लोग हैं उनसे बच के रहिए। आप कायदे से फातिहा खाने कीजिए, दूर से मज़ार से दूर से हटिए, आप फातिहा खाने करके निकल जाइए, अपने घर के लिए कुछ लेना ले लीजिए, वॉट एवर, बस यही सब रहा और कुछ नहीं। तो ये रहा मंजवे का ब्लॉग, तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप आएँ कहीं से भी आएँ तो भाई मगरिब से पहले फिनिश करके चले जाए, ये हमारा पर्सनल सजेशन रहेगा आपका, क्योंकि भाई फिर उसके बाद आने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि भाई उसके बाद शाम हो जाता है, कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा, मेले नहीं घूम पाएंगे वगैरह वगैरह। तो आप आते हो भाई, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जिन्होंने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।